अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान राना मोहम्मद सलीम आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा लिया के एक ऐसे नौजवान से जिसने सब्ज़ लाली परचम हाथ में पकड़कर 10 किलोमीटर का सफ़र तय किया। लिया की सड़कों पर इसको आप देख सकते हैं, मज़ीद इन्हीं से जानते हैं इन्हीं की ज़बानी कि इसमें इतना जज्बा कहाँ से आया और नौजवान नस्ल को ये क्या पैगाम देना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान राना मोहम्मद सलीम आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं लिया में। आज हम आपको एक ऐसे नौजवान से मिलवाएंगे जिसका जज्बा आप देखेंगे कि उसने 14 अगस्त से जश्न आज़ादी के दिन ये पाकिस्तान का जो झंडा है ये सब्ज़ लाली परचम लेकर वो यहाँ से तकरीबन कई किलोमीटर सफ़र तय करेंगे हाथ में सब्ज़ लाली परचम पकड़ कर। उनसे जानते हैं कि उन्होंने ये कहाँ से सीखा और उसका जो जज्बात है वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपने ये कैसे ख्याल आपके जहन में आया ये? मैंने कहा आपने लगे में कुछ चैलेंज लाया जाए, कुछ नौजवानों को वीडियो गेम से, मोबाइल फिल्मों से, उनसे थोड़ा दूर रखा जाए। नौजवान है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान में कोई टैलेंट दिखाया जाए इसलिए। ये पाकिस्तान के टैलेंट के लिए तो ये कितना किलोमीटर आप ये सफ़र तय करेंगे ये सब्ज़ लाली परचम हाथ में लेकर? 10 किलोमीटर। नाज़रीन, ये लिया का नौजवान है जिसने 10 किलोमीटर सफ़र करना है सब्ज़ लाली परचम हाथ में लेकर। और इस तरह के नौजवानों की आप हौसला अफजाई करें ताकि ये अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें। ये आप देख सकते हैं पाकिस्तानी सब्ज़ लाली परचम इसके पास है और ये कई 10 किलोमीटर सफ़र तय करेगा। Thank you.